बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में जो है वो आपको बताया जाएगा जी मूवीज कैसे अपलोड करती है, प्रो टिप्स बताई जाएंगी। यहाँ पर बहुत से चैनल आप देख सकते हैं जिसमें जो है वो कोई इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ, कोई ऑफिशियल जो है वो उनका चैनल नहीं है जिसपे जो है वो मूवीज अपलोड हो रही हैं। तो ये कैसे मूवीज अपलोड करते हैं और हम कैसे मूवीज अपलोड कर सकते हैं। एमशन की बहुत से लोगों ने एमशन भी ज्वाइन किया हुआ लेकिन वो एक मूवी भी नहीं अपलोड कर पाते, और बहुत से ने जो है वो एमशन ज्वाइन करके ढेरों मूवीज अपलोड की हैं। तो वह कैसे की हैं आज की वीडियो में सारी बात डिटेल से करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर देना। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपने जब मूवीज अपलोड करनी है, कोई भी मूवी अपलोड करनी है यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए जी, आपको जो है वो एक अच्छी एडिटिंग आनी चाहिए। एडिटिंग आपको आ रही होगी तो आप जो है वो एडिटिंग से जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आप ख़त्म कर देंगे। म्यूजिक हो गया, कोई ऐसा सीन हो गया जो यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो अब आपको यूट्यूब की पॉलिसीज ही नहीं पता। वो क्यों नहीं पता, क्योंकि आप जो है जैसे यूट्यूब की पॉलिसीज के मुताबिक कोई भी वीडियो आती है तो वो आप नहीं देखते। आप जो है वो CPM MCN दीवान हो गया और जहाँ पे ये मूवी रिलेटेड हो गए ये आप चीज़ें देखते हैं, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा जब आप जो है वो इसकी पॉलिसीज वगैरह भी देखेंगे। तो आप जब ये पॉलिसीज वगैरह आपको जानने लग जाएंगे तो आप उस एडिटिंग के मुताबिक जो है वो पॉलिसीज के मुताबिक आप अपनी मूवी को एडिट करेंगे। जो भी सीन होंगे वो आप कट कर देंगे, उसके बाद आपने जो है वो अपलोड कर देना। अब अपलोड कैसे करना है, कंट्री को ब्लॉक करके, वो कैसे होगा, MCN ज्वाइन करवा के। आप कोई अच्छा MCN ज्वाइन करवाएंगे तो आपको जो है वो कंट्री ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप जो है वो MCN ज्वाइन के बगैर कंट्री ब्लॉक लेना चाहते हो तब जो है वो आपका म्यूजिक चैनल होना चाहिए और साथ जो है वो म्यूजिक एरो जो म्यूजिक का निशान होता है उसके साथ वेरीफाई होना चाहिए। जब आपका उस म्यूजिक के आइकन के साथ वेरीफाई होगा चैनल तो तब जो है वो आपको राइट मैनेजमेंट मिलेगा। अगर आप जो है वो आपके पास म्यूजिक आइकन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास MCN है, आपकी मर्जी है। आप जो है वो म्यूजिक आइकन किसी तरह ले लें या फिर आप MCN ज्वाइन करवा लें, जैसे मर्जी आप, दोनों से जो है वो आपको राइट मैनेजमेंट मिल जाएंगे। तो जैसे ही राइट मैनेजमेंट मिलेंगे तो आपको जो है वो कंटेंट आईडी मिल जाएगी। कंटेंट आईडी का क्या फ़ायदा, कंटेंट आईडी से आप जो है वो किसी भी कंट्री में मूवीज को वीडियोज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। फर्ज कर लें इंडिया की मूवी है तो इंडिया में हम ब्लॉक कर सकते हैं और जो है वो उसे पाकिस्तान में रन कर सकते हैं। लेकिन 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 उसमें भी क्या होगा, बहुत सी मूवी जो है वो वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पे ब्लॉक की गई हैं। बहुत सी मूवीज उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें जो जब हमने अपलोड करनी होती है तो उसमें जो है वो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी एडिटिंग। और उसके बाद जो है वो दूसरी बात किस्मत, बहुत से चैनल हैं जिन पे जो है वो मूवीज अपलोड हुई हैं। अब आप कहते हैं कि भाई जान वो बंदा तो मूवीज अपलोड कर रहा है तो उसका जो है वो चैनल नजरों में नहीं आ रहा है या फिर ब्लॉक नहीं हो रहा, तो भाई जान उनका ये हिसाब है कि भाई जान यूट्यूब जो है वो उनको देख ही नहीं पा रहा, उनकी जो है वो नजरों से ओझल हो जा रहे हैं वो चैनल। जैसे यूट्यूब की नजरों में आ जाएंगे वो चैनल तो 110% जो है वो डिलीट कर दिए जाएंगे। अभी जो है वो कुछ चैनल जो है वो कंट्री ब्लॉक करके मूवी अपलोड करते हैं तो उन चैनल जो है वो उनका बच जाता है, यूट्यूब वाले को नहीं पता लगता, दरगुजर कर देते हैं। इस वजह से जो है आप जब करेंगे तो आपके जो एफर्ट्स कर लें, आपने 10 मूवीज अपलोड की हैं दिन की तो 3 से 4 वीडियो मूवीज जो है वो ब्लॉक होएंगी ही होंगी। बहुत ज़्यादा मैंने आजमाया हुआ, पहले जो है वो मूवीज ही अपलोड करता था लेकिन मूवीज में क्या सीन है, मूवीज में जो है वो व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन जो है वो अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए जो है वो आप अगर मूवीज से पैसा कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं लेकिन उसमें ये रोले बहुत आ जाते हैं, कभी जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। एक हफ्ते में आपकी जो है वो अगर आप 10 मूवीज अपलोड करती हैं 5-6 फर्स्ट दिन ही अपलोड हो जाएंगे, 3-4 जो है वो बाद में भी जैसे यूट्यूब की नज़र में आएगी तो आपकी वीडियोस ब्लॉक कर दी जाएंगी, आपकी मूवी जो है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, आप जो है वो जितना मर्जी काम कर लें। ये भाईजान आपने बात नहीं कहनी कि वो बंदा अपलोड कर रहा, तो भाईजान किस्मत भी चलती है। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि उड़ भी रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देख रहे, जो चैनल कह रहे हैं उन्हें ना देखें, जो चैनल उड़ भी रहे हैं उन्हें भी देखें। अब बहुत से जो चैनल हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं जी, उन्होंने जो है वो अपना लाइसेंस मूवी अपलोड करने का लाइसेंस लिया हुआ है। जहाँ पर फर्ज कर ले मूवी अब जो है वो सिनेमा में भी चलेगी और उसके बाद यूट्यूब की वेबसाइट में जब जहाँ पर बाय की जाती है, यानी कि अच्छी खासी उसने अर्निंग कर ली, तो अब वो मूवी वाला क्या करता है, मूवी वाला जो है वो अब लाइसेंस सेल करने लग जाता है, उस मूवी के राइट्स सेल करने लग जाता है। वो जो है यूट्यूबर्स वो राइट्स ले लेते हैं, देन जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके वहां से अच्छा पैसा कमाते हैं।
ये सीन करते हैं, और जो दूसरे हैं जो दो नंबर तरीके से आते हैं उस पे भाई जान रिस्की होता है। इससे अच्छा जो काम है वो है जी वो अपना क्या होता है न्यूज अपलोड करना, नया टॉपिक है उस पर जो है वो एक अलग टॉपिक है उस पर जो है वो इंशाल्लाह कभी मूवी ये न्यूज पे भी बनाएंगे। मैंने जो है वो काफी देर जो है वो फॉक्स न्यूज है एक इंग्लिश न्यूज उस पर जो है वो काफी ज्यादा काम किया हुआ पहले, तो उसकी इंशाल्लाह किसी वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर जो है वो आप मूवीज पे काम करना चाहते हैं तो आप पे जो है वो 110% रिस्क होगा, कभी मूवी आपके अपलोड होगी ओके होगी, 110% एड चलेंगी, कभी एड्स पे लिमिट आएगी, कभी आपके फर्स्ट में वीडियो ब्लॉक कर दी जाएगी, कभी 3 से 4 दिन बाद आपकी वीडियोज अपलोड होगी, तो ये जो सारे सीन होंगे ये आपको देखने ही पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ कि आप अगर ये काम करते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे और आपको जो है वो और तरक्कियाँ दे। दुआ में अपने भाई को याद रखना, ढेर सारा प्यार, ओके, अल्लाह हाफिज़।